Hello students, I am Mithilesh and welcome to the class of Ingenious Physics. Today we are going to discuss the chapter which is magnetism. ये magnetism का second section है जिसमें हम लोग को पढ़ना है electromagnet and its uses, उसके use के बारे में. Right, तो सबसे पहले हम लोग बात जानने वाले हैं कि ये electromagnet होता क्या है. Right, so हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि electromagnet क्या है. सो आप वर्ड से आप देख सकते हो इलेक्ट्रो एंड मैग्नेट. इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है और मैग्नेट तो पता ही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके अगर हम मैग्नेट बना रहे हैं तो उसको हम इलेक्ट्रो मैग्नेट बोलते हैं एक्चुअली. राइट, सो इलेक्ट्रो मैग्नेट क्या होता है? एक टेम्पररी मैग्नेट है लेकिन स्ट्रांग है, याद रखना है. ठीक है, सो एन इलेक्ट्रो मैग्नेट इज अ टेम्पररी स्ट्रांग मैग्नेट मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन. आपको चीजें याद रखनी है यहाँ पे जो मैं नोटिफाई कर रहा हूं और लिखना भी है कॉपी पे. व्हेन करेंट फ्लो इन अ कॉयल वाउंड अराउंड इट, इट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट. एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है राइट, जो कि टेम्पररी है बट ये स्ट्रांग है. और इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं मटेरियल? आयरन का इस्तेमाल करते हैं. राइट, सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड इन एनी शेप. ये किसी भी शेप का बना सकते हैं, लेकिन किसी भी शेप का बना के फायदा क्या है भाई? हमको तो ये देखना है कि हम कैसा शेप का बनाए कि हमको प्रॉफिट मिले. राइट, बट यूजुअली द फॉलोइंग टू शेप्स ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट आर इन यूज. पहला होता है हमारा आई शेप, दूसरा है यू शेप. आई शेप मतलब बार मैग्नेट, यू शेप मतलब हॉर्सशू मैग्नेट. राइट, चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे करके बन रहा है. तो फर्स्ट हमको डिस्कस करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ आई शेप्ड और बार इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो ऑलरेडी आपको यहां बताया गया है कि क्या मटेरियल इस्तेमाल करना है, सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करना है. राइट, सॉफ्ट आयरन का हमें क्या करना है? इस्तेमाल करना है. सो अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे हम लोग कर सकते हैं. तो यहां पर आपको बहुत सारे डिटेल्स दिए गए हैं. सो यहां कहता है टू कंस्ट्रक्ट आई शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट अ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर. मतलब कौन सा वायर लेना है? इंसुलेटेड कॉपर वायर, और ये पतला होना चाहिए. थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर इज वाउंड इन अ फॉर्म ऑफ अ सॉलिनॉइड. सॉलिनॉइड कुछ और नहीं, स्प्रिंग होता भाई, ऐसे 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 घुमा देना है. ठीक है, यही इस यही चीज सॉलिनॉइड होता है. अराउंड अ स्ट्रेट सॉफ्ट आयरन बार पी क्यू. पी क्यू एक बार है, आपको ऊपर दिखेगा डायग्राम में, दिखाऊंगा मैं. राइट, द एंड ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू अ बैटरी. बाकी दोनों एंड को, वायर का जो दो एंड आपको यहां पर आ रहा है, ये दोनों किससे जोड़ना है? एक बैटरी से क्या करना है? कनेक्ट कर देना है. राइट, तो ये हो गया. थ्रू एन एमीटर, एमीटर लगा देना. एमीटर क्या करेगा? करंट मेजर करेगा. रियोस्टैट क्या है भाई? वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. की मतलब स्विच हो गया ऑन ऑफ करने के लिए. राइट, अब कहता है कि व्हेन, यहां पर कह रहा है दैट व्हेन करंट इज पास थ्रू द वाइंडिंग ऑफ सॉलिनॉइड बाय क्लोजिंग द की के द एंड पी ऑफ अ बार मैग्नेट बिकम साउथ पोल. राइट, सिंस द करेंट एट दिस फेस इज क्लॉक वाइज वाइल द एंड क्यू एट विच द करेंट इज एंटी क्लॉक वाइज, तो वहां पे नॉर्थ पोल बनने वाला है. राइट, दस अ बार मैग्नेट बिकम्स अ सॉरी दस अ बार बिकम्स अ मैग्नेट. राइट, एक बार जो वो क्या मैग्नेट बन गया. राइट, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे और डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं फटाफट. तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एक बार लिया गया. राइट, ये जो आप देख रहे हो पी क्यू एक बार है और ये आयरन का बना हुआ है, इस पर एक वायर लपेटा हुआ है. ये वायर में देखो करंट ऐसे जा रहा है. अगर आप इस डायरेक्शन से देखोगे तो ये कैसा दिखता है? क्लॉकवाइज दिखता है. जब भी क्लॉकवाइज जाएगा तो क्या पोल बनेगा वहां पे? ये बनने वाला है साउथ पोल. राइट, अब यहां पर इस एंड पे अगर आप इस साइड से देखोगे तो ये इधर बाहर की तरफ आ रहा है. ठीक है, इस साइड से देखोगे तो आपको क्या लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल. तो अल्टीमेट ये साउथ और नॉर्थ कब तक बने रहता है? जब तक हम ये स्विच को कनेक्ट करके रखते हैं. जैसे स्विच ऑफ कर देंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा. करंट फ्लो नहीं होगा तो ये साउथ भी हट जाएगा, नॉर्थ हट जाएगा. मतलब पोलैरिटी क्या हो गया? खत्म हो गया. तो इसीलिए इसको बोला गया टेम्पररी मैग्नेट है. जब तक हम करंट देंगे तब तक इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो रहेगा. जैसी करंट हटा देंगे,
मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, गायब हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पे हमारे पास ये एक आ रहा है रियोस्टैट, वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है। एमीटर क्या करेगा, एमीटर जो है करंट मेजर करेगा। ये सारा डिटेल्स आपको प्रीवियस चैप्टर में क्लास 9 का जो आपका चैप्टर नंबर 9 है उस पर मिलेगा, राइट। एमीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर क्या करता है, ये चीज। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो रेड कलर का जो वायर दिया हुआ है, ये जो जिस तरह से घूम करके आया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, सोलिनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड, राइट। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे चैप्टर, दूसरे सेक्शन को, ठीक है, डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ यू शेप्ड और हॉर्सो इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो इसको हम लोग डायरेक्ट डायग्राम पे आते हैं, ठीक है, उतना स्टोरी तो आप लोग खुद से ही पढ़ोगे, अगर मैं ही पढ़ दूँ तो फिर क्या ही मतलब बनता है, राइट। आप लोगों को जो सीखना है ना, देखो यहाँ पर कुछ कॉयल वाइंडिंग किया है, यहाँ पर कुछ कॉयल वाइंडिंग किया है, राइट। इसमें आप देखो ये ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, अगर आप इस साइड से देखोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये क्लॉकवाइज बन रहा, तो साउथ हो गया, राइट। और इसमें आप देखोगे ये करंट ऐसे इधर आ रहा है, और इस डायरेक्शन से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या बनने वाला है, नॉर्थ। तो यहाँ पे आपको साउथ और यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। अब भाई ये जो मटेरियल लिया है किसका बना हुआ, देखो लिखा हुआ है सॉफ्ट आयरन का बना हुआ, तो इसको सॉफ्ट आयरन कोर बोलते हैं, राइट। अगर आगे चल के आप पढ़ोगे ट्रांसफार्मर वगैरह बनाया जा रहा है, उसमें भी सॉफ्ट आयरन कोर का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जल्दी मैग्नेटाइज होता है। सो नेक्स्ट, इसके बाद आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स है, ये आप खुद से पढ़ सकते हो, राइट। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेज ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। किस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को, या मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का। वेज ऑफ इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, सबसे पहला क्या है यहाँ पे, चाहे वो आई शेप हो चाहे वो यू शेप हो, बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग ऑन द सोलेनॉइड। मतलब जो ये जो बार मैग्नेट है हमारे पास, इस पे जो हम लोग यहाँ पर ऐसे करके या इस पे ऐसे करके हम लोग जो टर्न बनाए हैं, ये टर्न जितना ज्यादा होगा, राइट, ये टर्न जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हम लोगों का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, फील्ड ज्यादा होगा। दूसरा इंक्रीजिंग द करंट, और दूसरा तरीका क्या, करंट बढ़ा दो, मतलब स्मॉल एन को बढ़ा दो या फिर करंट बढ़ा दो, करंट बढ़ाएंगे तो भी हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, देखो ये फॉर्मूला फिलहाल आपको अभी तो नहीं करना है, ये फॉर्मूला आपको क्लास 12th में पढ़ना है, फिर भी हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलेनॉइड की वजह से, ये होता है म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है, म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है, म्यू नॉट एक कॉन्स्टेंट है, ये बात की बात है, यहां से पता चल रहा है एन बढ़ाने से बी भी बढ़ेगा और आई को बढ़ाने से भी ये बी बढ़ जाएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को डिराइव भी करना सीखना पड़ेगा क्लास 12th पे, तो ये सारा पढ़ाया जाएगा आपको। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर कुछ बेसिक फंडामेंटल यहाँ देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बारे में बात करने वाले हम लोग। पहली बात है इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, भाई ये सॉफ्ट आयरन से बनता है। परमानेंट मैग्नेट किससे बनता है, वो स्टील से बनेगा, किससे बनेगा, स्टील से बनेगा, मतलब आयरन प्लस कार्बन को मिलाते हैं तो स्टील बनता है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है यहाँ पे, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा कब तक, एज लॉन्ग एज करेंट फ्लो इन इट्स कॉइल, जब तक कॉइल में करंट रहेगा तब तक, राइट। दूसरा है इट प्रोड्यूसेस अ टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड, ये टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी चेंज, कैसे करके, एन को बढ़ा देंगे या आई को बढ़ा देंगे तो इसका स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते, राइट, कैन नॉट बी चेंज, यहां लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी वेरी स्ट्रांग, इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो सकता है, बट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है परमानेंट मैग्नेट का वो स्ट्रांग नहीं होता, उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता जितना इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड, इसका पोलैरिटी को रिवर्स कर सकते हैं, और ये परमानेंट मैग्नेट का पोलैरिटी को रिवर्स नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 5 को समझता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना में समझ में नहीं आया होगा। देखो भाई यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, राइट, और यहाँ पर हमने बनाया है परमानेंट मैग्नेट है, अगर ये परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ है और ये साउथ है तो ये फिक्स हो गया,
ये अब साउथ और नॉर्थ जो है वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे, मान लो हमने लूप ऐसे करके बना दिया, समथिंग लाइक दिस, जैसा आपका बुक में था वैसे ही हम लोगों ने बनाने की कोशिश करी है। अगर करंट इधर से जा रहा है तो ये साउथ है और ये क्या है, नॉर्थ है। लेकिन अब ध्यान दो यहां पे, अगर हम करंट का डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर देंगे, ऐसा कर देंगे राइट, करंट का डायरेक्शन को, तब ये बन जाएगा साउथ और ये बन जाएगा नॉर्थ राइट। तो देखो यहां पे ये जो साउथ नॉर्थ है उसको चेंज कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं पोलैरिटी को चेंज करना। ठीक है, तो चलो यहां पे देखते हैं। 5 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 6 राइट। पॉइंट नंबर 6 में यहां पे क्या कहते हैं कि भाई इट कैन इजिली बी डीमैग्नेटाइज्ड बाय स्विचिंग ऑफ द करंट। अगर हमको ये मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं चाहिए सॉफ्ट आयरन पे तो हम क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे और वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। बट परमानेंट मैग्नेट को इजीली हम लोग डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कुछ ऑन ऑफ कर दिए तो ये डीमैग्नेटाइज हो गया राइट। हालांकि तरीका है कुछ कुछ राइट, हीट करेंगे तो होगा ठीक है। इसके अलावा और क्या, इतना ही जान लो हीट करने से होगा, बाकी अब हायर क्लास में पता चलेगा। नेक्स्ट और एंड सेक्शन पे आते हैं। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर परमानेंट मैग्नेट, क्या एडवांटेज है। एडवांटेज यहाँ पे ये समझ में आएगा हम लोग को, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये ज्यादा मैग्नेट, ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द करंट और द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट्स सोलेनॉइड। मतलब अपने हिसाब से हम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे बना सकते हैं। कैसे, करंट को चेंज कर देंगे या नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर देंगे। थर्ड बोलता है द पोलैरिटी ऑफ आ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन इट्स सोलेनॉइड। मतलब अगर हमको मान लो कभी जरूरत पड़ा है नॉर्थ दूसरे साइड चाहिए, साउथ दूसरे साइड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, करंट के जो डायरेक्शन है उसको बदल देंगे। तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा कि भाई ये करंट का डायरेक्शन को बदलने से पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमको यहाँ पे क्या मिल गया, 3 बेनिफिट मिल गया है राइट, 3 एडवांटेज हमको पता चल गया है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इन कंपैरिजन टू परमानेंट मैग्नेट राइट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट यहां पे आप देखो यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट राइट, ये क्या हम लोग को देखना है, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इस पे हम लोगों को डिस्कस करना है क्या क्या यूज है, कंस्ट्रक्शन है बस, और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। सो यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में यहां पे सबसे पहला फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हेवी आयरन स्क्रैप, जो आयरन स्क्रैप हेवी हेवी है उसको भाई हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर सकते हैं राइट। एंड ये जो भी प्लेट्स वगैरह होता है एक्सेट्रा, पर्टिकुलरली व्हेन इट इज नॉट कन्वीनियंट टू टेक द हेल्प ऑफ ह्यूमन लेबर, बहुत हेवी हेवी जो है वो आदमी कैसे उठाएगा भाई, हम लोग इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एक डेटा दिया हुआ है इस जगह पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन यूज टू लिफ्ट एज मच एज 20,000 kg ऑफ आयरन इन अ सिंगल लिफ्ट, एक बार में 20,000 kg का वो प्लेट वगैरह उठा सकता है राइट। तो ये चीज हो गया। और जहां पर आपको मान लो रखना है, यहाँ लिखा हुआ देखो, टू अनलोड द आयरन ऑब्जेक्ट, जहां पे आपको अनलोड करना है उस जगह पे ले जाते हैं और क्या करते हैं, जो करंट है उसको बंद कर देते हैं फ्लो को। द करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच्ड ऑफ सो दैट द आयरन ऑब्जेक्ट गेट्स डिटैच। आयरन ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिटैच होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट तो भाई इसका कैरेक्टर खत्म हो गया क्योंकि हमने करंट हटा दिया है राइट। दूसरा, इसके बाद दूसरा यूज आता है फॉर लोडिंग द फार्नेस विद आयरन राइट, लोडिंग करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट आपको यहां से याद रखना, लिफ्टिंग करना, अब आप कुछ भी लिफ्ट करो। दूसरा क्या, लोड करना है यहाँ पे फार्नेस और आयरन, फार्नेस को एक्चुअली भरना है इससे आयरन से राइट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सेक्टर पे अगर आगे स्टडी करते हो तो आपको ये सब पता चलेगा, हालांकि नेट पे सर्च करोगे तो भी बहुत सारा डिटेल मिल जाएगा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, करना ही क्या है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, फॉर सेपरेटिंग द आयरन पीस फ्रॉम डेब्रिस एंड ओर्स वेयर आयरन एग्जिस्ट इन एज इम्प्योरिटीज राइट। अगर हमको किसी ओर से आयरन मटेरियल निकालना है जो इम्प्योरिटी की तरह काम कर रहा है तो हम क्या करेंगे, मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड, फॉर रिमूविंग द पीस ऑफ आयरन फ्रॉम वाउंड्स राइट, अगर हमको आयरन पीस कहीं से निकालना है, हटाना है, तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। साइंटिफिक रिसर्च में काम आता है टू स्टडी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमको किसी भी मटेरियल का हमको जानना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जानना है कि भाई ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो हम इस्तेमाल उसका कर सकते हैं ठीक है। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, इसके अलावा बहुत सारा प्रैक्टिकल यूज है, इलेक्ट्रिक बेल में इस्तेमाल होता है, टेलीग्राफ पे होता है, इलेक्ट्रिक
ट्रम में होगा, इलेक्ट्रिक मोटर में होगा, रिले, माइक्रोफोन में होता, लाउड स्पीकर में होता, कहाँ कहाँ नहीं होता भाई, राइट। तो अब हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है स्पेशली सिलेबस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक बेल में, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक बेल में किस तरह का यहाँ पर फंक्शनिंग हो रहा है, ठीक है। इसको आप ध्यान से एक बार रीडिंग करोगे, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे काम किया गया, मैं बस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहला आप देखो ये गोंग हो गया, ठीक है, ये क्या है, गोंग, दिस वन गोंग मतलब भाई इस पे टकराएगा हैमर, कौन टकराएगा, हैमर टकराएगा तो बजेगा टर, ठीक है, वो घंटी बजेगा, बहुत सिंपल है। यहां देखो ये कौन सा मैग्नेट इस्तेमाल हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि हॉर्सू मैग्नेट है, राइट, यू शेप, राइट, यू शेप मैग्नेट है। अब होता यहां पर यह है कि देखो ये बैटरी लगाया हुआ है और यहाँ पे क्या स्विच है, और ध्यान दो यहाँ पे ये T1 है और ये T2 है, मैं जो जो नोटिफाई कर रहा हूँ उस पर प्लीज फोकस करें। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होगा, बैटरी का करंट ऐसे जाएगा, यहां से होते हुए यहां तक गया, क्लियर है। अब जो होता है कि यहां पर ये करंट ऐसे करके गया है, देखो यहां से होते हुए ये इस कॉइल पे आया हुआ है, ये कॉइल को मैग्नेटाइज किया, फिर यहां से जाके ये कॉइल के थ्रू भाई ये साइड मैग्नेटाइज हो गया, नॉर्थ साउथ बन गया, और ये वायर से होते हुए करंट फिर ऐसे आ गया, राइट। इस चीज को मैं एक बार और बताने की कोशिश करता हूँ, देखो कंफ्यूजन ना हो। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि स्विच और बैटरी पे काम कैसे हो रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये ध्यान पे रखना है कि ये जो देख रहे हो ये सेक्शन, राइट, मेटल स्ट्रिप, यहां से करंट ऐसे आएगा और यहां से होते हुए इस जगह पे जाएगा, और इसको ये हॉर्सो मैग्नेट में यहाँ पे वाउंड किया हुआ, तो ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। अब बात यह आती है ये हैमर क्या है, आयरन का बना हुआ है, किसका बना हुआ भाई, आयरन का बना हुआ। अब आप खुद से बताओ कि जब ये आयरन का बना हुआ है, दिमाग लगाओ, सोचो थोड़ा सा, ये अभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है, ठीक है, और ये आयरन का है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, टानेगा, जब टानेगा तो क्या होगा, ये हैमर आके टकराएगा इससे और बस आवाज आएगा क्लिंग क्लिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल का मैकेनिज्म काम करता है। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप जो थ्योरी है इसका पूरा, इसको आप लोग रीडिंग करो बहुत एकदम ध्यान से, बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, कि कहाँ से करंट कैसे जा रहा, क्या हो रहा, नहीं हो रहा, एकदम पूरी तरह से दिया हुआ, तो आप लोग उसको पढ़ो, राइट, और आपको आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखो 10B में कुछ क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और अगर इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप ये वेबसाइट पे जा सकते हो, राइट, engineersphysics.in करके वेबसाइट है, उस पर आपको सॉल्यूशन आई गेस अपलोडेड है उस पर, राइट, मिल ही जाएगा। नहीं मिलने से आप मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं आपको सेंड कर दूंगा इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है कि भाई द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड अप ऑफ, किससे बनता है, सॉफ्ट आयरन से बनता है, याद रखना, किससे बनता है, सॉफ्ट आयरन से बनता है, और परमानेंट मैग्नेट किससे बनता है, स्टील से बनता है, ठीक है, याद रखना ध्यान पे। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज करना है ना, राइट, इंक्रीज करने के लिए आई और एन दोनों बढ़ा सकते हैं। देखो रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट, नहीं भाई ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इससे पोलैरिटी चेंज होता है। यूजिंग द ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, नहीं भाई इससे भी हम लोग का वेरिएशन आएगा। इंक्रीजिंग द करंट इन द कॉयल, ये बिल्कुल सही है करंट, ठीक है। डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, डिक्रीज करोगे तो स्ट्रेंथ भी घट जाएगा, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, क्योंकि करंट को यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, राइट। आई होप आपको आज का क्लास बहुत ही बेहतर लगा होगा, एंड आज हम लोग का ये जो थर्ड लेक्चर है इसमें हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 10, जो कि इलेक्ट्रो, जो कि मैग्नेटिज्म है, राइट, पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर, और इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। सो मेरा सजेशन आप सभी से ये रहेगा कि आप इनको ध्यान से पढ़ें, वीडियो को भी ध्यान से देखें सुने, और बुक को जरूर पढ़ें। मैं रिकमेंड करता हूं कि आपके जो भी बुक प्रोवाइडेड है आप लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस बुक को डेफिनेटली आप लोग पढ़ें, राइट, बुक से बेटर कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको आज का क्लास बहुत बेहतर लगा होगा। सो स्टे ट्यून विद द चैनल इंजीनियर्स फिजिक्स फॉर मोर प्रीमियम कॉन्टेंट लाइक दिस। थैंक यू।